हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो से अंगरखा कुर्ती की स्टाइल कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जॉर्जेट के फैब्रिक 2 मीटर लिया है और लाइनिंग के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले से कटिंग हम टॉप पार्ट की करेंगे लाइनिंग में। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में कर लेनी है, अपनी वॉस्ट की 4 पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने इसकी विड्थ ले लेनी है। और यहाँ पे अब हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट को हमने 14 इंच पर रेडी करनी है और यहाँ पर प्लस 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 15 इंच पे हम अपनी टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 15 इंच पे मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे 15 इंच पे और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है और यहाँ पे ओपन साइड की ओर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यह शोल्डर को 6 इंच पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर को आपको 6 इंच मार्क करनी है। 36 इंच की कुर्ती के लिए यहाँ पे शोल्डर को हमने 6 इंच पे मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के लिए भी हम मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल को भी हमने 6 इंच पे रखनी है। और यहाँ पे भी देखिए लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है और अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट की 4 पार्ट लेंगे। तो बस्ट 36 इंच है तो उसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। और यहाँ पे 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेनी है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे यानी कि अपनी कमर की मार्किंग है। तो कमर 32 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच होगी। और प्लस 2 इंच यहाँ भी हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और दोनों ही लाइन को हमने इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए मार्जिन वाली लाइन को भी हमने इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम अपने आर्म होल में शेप देंगे। तो यहाँ से लाइन को हमने हाफ करनी है इस तरह से। आर्म होल के जो लाइन है उसमें हम हाफ करेंगे और यहाँ से 1 इंच में मार्क करेंगे। और दोनों ही लाइन को हमने और इस तरह से मिलाते हुए आर्म होल में शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमने आर्म होल में शेप दे देनी है। तो इस तरह से देखिए हमने आर्म होल में शेप दे दिया है। और 1/2 इंच अंदर से करते हुए अपनी फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल में भी शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमारी आर्म होल में हो चुकी है। अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक विड्थ हमने 3 इंच पे रखनी है। और यहाँ पे शोल्डर को भी डाउन कर लेनी है। तो 1/2 इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए नेक विड्थ हमने 3 इंच पे रखा है और बैक नेक की लेंथ हमने 4 इंच पे रखनी है। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ 4 इंच पे रखेंगे बैक पार्ट में। और लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। और इस तरह से नेक में हमने शेप दे देंगे राउंड में बैक के लिए। और अब अपनी फ्रंट नेक में से ये लेंथ लेंगे। तो फ्रंट नेक की लेंथ हमने यहाँ पे लगभग 6.5 इंच पे रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे फ्रंट नेक की लेंथ रखी है। और यहाँ भी लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। और इसमें हमने फ्रंट में हमने भी शेप देनी है। तो इस तरह से स्केल को इस तरह से हम रखेंगे तिरछा करके और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है भी शेप में। और यहाँ पे अब गहराई दे देनी है जो हमने मार्किंग किया उस पर इस तरह से हल्का सा राउंड में गहराई दे देंगे। तो इस तरह से फ्रंट में हमारी भी शेप रहेगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि फ्रंट में हमें वी शेप में देनी है और बैक में हमें राउंड में शेप देनी है। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। और पहले यहाँ पे फेस्ट फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ इसके नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वी में हमने नेक की कटिंग कर लेनी है वी शेप में। और जो आर्म होल की गहराई उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाएगी। फ्रंट पार्ट की हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे नेक की। तो इस तरह से बैक पार्ट को जिस लेंगे और जिसके जैसे कि हमने 3 इंच पे इसकी विड्थ रखा था और इसकी लेंथ को हमने 4 इंच पे रखा था बिल्कुल वैसे ही मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वैसे ही हमने शेप दे देंगे राउंड में और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक और फ्रंट दोनों ही नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से बैक पार्ट को हम साइड करेंगे और फिर से फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट में हमारी वी शेप में कट हुई है नेक। अब हम क्या करेंगे देखिए नेक को जो वी शेप में कट के वहाँ से सेंटर से पकड़ते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जैसे क्रीच लगा लेंगे।
और यहाँ पे देखिए मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में यानी कि टॉप पार्ट की लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे नेक पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए और जो हमने 1 इंच पे मार्किंग किया है वहाँ पे इस तरह से इंची टेप को मिलाते हुए इस तरह से ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए लाइन को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे अब हम इस तरह से जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है वहाँ से हल्का सा शेप में ऐसे गहराई देंगे, गोलाई में हल्का हल्का इस तरह से दे देंगे शेप। अगर आपके पास तिरछी वाली स्केल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्केल से ये इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये फैब्रिक हमारी यूज की नहीं है तो इसे हम साइड कर लेंगे। तो इस तरह से अंगरखा स्टाइल में हमारी ये कटिंग हो गई है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक पीस को और हम कट कर लेंगे इसी को रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे ये राइट साइड की ओर है तो राइट साइड की ओर इसे इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। फैब्रिक को भी हमने राइट साइड में रखा है और इसे हमने राइट साइड की ओर दोनों मिलाते हुए रख लेनी है और इसी तरह से एक पार्ट की और हम कटिंग कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही एक पार्ट की हमारी और कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लिया है, ऐसे ही एक पार्ट की और भी कटिंग कर लेंगे जिससे अंगरखा स्टाइल की कुर्ती की कटिंग हमारी इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लिया है अंगरखा स्टाइल में। तो कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन आएगी अंगरखा स्टाइल में। तो इस तरह से 2 पीस हमारी कट हो जाएगी और कुछ इस तरह से हमने इसमें इसको स्टिच करेंगे तो हमारी डिजाइन इस तरह से आएगी। अब देखिए यहाँ से हमारी जो नेक की सेंटर है वहाँ से हमने इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 4 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ से देखिए हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया है और लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। देखिए लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है और जो हमारी यहाँ पे हमने लाइन को स्ट्रेट करके इस तरह से एक पार्ट को इस तरह से उठाकर यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे जैसे 4 इंच हमने लगाया है और इसी एक पार्ट को ही हम सिर्फ कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी पार्ट को हमें सिर्फ कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग हो गई है तो कुछ इस तरह से हमारी अंगरखा स्टाइल में इसकी डिजाइन आएगी। अब हम इसे मैन फैब्रिक में कट कर लेंगे। तो सभी पीस को हम ऐसे मैन फैब्रिक में रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए हमने रखनी है और यहाँ पे बैक पार्ट को भी रख लिया है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है, इसकी स्टिचिंग करेंगे नेक की बैक पार्ट में। तो इस तरह से लाइनिंग के साथ में इसे स्टिच कर लेंगे दोनों सीधी साइड रखते हुए। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग और मैन फैब्रिक के साथ में इसकी नेक को बना लेंगे और यहाँ पे देखिए इसमें भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी की ज़रूरत नहीं है, नेक की जो हमारी मैन फैब्रिक और लाइनिंग है उसी के साथ हमने इसे स्टिच कर लेनी है। तो दोनों ही साइड में हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा के इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है। तो इसे भी हमने इसमें जो स्टिच लगाया है इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में हमने इसे टर्न कर लिया और अब हम इसे प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस लगाने से ये हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेस लगा लिया है, अब इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे दोनों ही साइड में। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है और मैन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक के किनारे में भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है ताकि दोनों अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ से हमारी नेक भी रेडी हो गई है अंगरखा स्टाइल में, टॉप पार्ट में दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया। अब देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट को इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे, जो नेक के हमने सेंटर में निशान लगाया है बिल्कुल वैसा ही हमने इस तरह से रख लेनी है। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए हमने रखेंगे और यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमने इसमें नेक की साइड से इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। यहाँ तक हमने इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने नेक में भी इस तरह से स्टिच लगा के इसे पक्का कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गई है अंगरखा स्टाइल में। इसी तरह से हमने देखिए इस तरह से ये रेडी होने के बाद हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने बटन्स या डोरी आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। तो हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है इसी तरह से लाइनिंग के साथ में
और इसकी शोल्डर में स्टिच लगा लेंगे और साइड में भी हमने जो मार्जिन लिया है उसमें भी स्टिच लगा के इसे ओके कर लेंगे टॉप पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है शोल्डर में और साइड में भी स्टिच लगा लिया है। अब इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो देखिए हमारी अंगरखा स्टाइल में टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब इसकी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको हम साइड करते हैं अभी और यहाँ पे इसकी बॉटम पार्ट को लेंगे। तो यहाँ से देखिए फैब्रिक को हमने सीधा में रखा है बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए, फोर फोल्ड में इसे फैब्रिक को रखा है और इसकी लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उसमें से 14 इंच आपकी टॉप पार्ट की वो माइनस कर देनी है। तो 14 इंच टॉप पार्ट माइनस हो जाएगी प्लस 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले कर मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा ले लेनी है। यानी कि हमने बॉटम पार्ट को इस तरह से यहाँ पे देखिए 23 इंच पे रखा है, यानी 24 इंच पे 2 इंच हमारी मार्जिन है। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ ले लेनी है 24 इंच पे और 2 इंच हमारी मार्जिन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसकी विड्थ देखिए, तो टॉप पार्ट की विड्थ हम देख लेते हैं। तो देखिए टॉप पार्ट की विड्थ हमने लगभग यहाँ पे 56 इंच पे रखा है, यानी 56 इंच पे रखा है, जो कि हम इसको गैदरिंग साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें और ही हमारी ओपन रहेगी, यानी कि फ्रंट में हमारी इस तरह से ये कुर्ती में ओपन रहेगी फ्रंट पार्ट में, फ्रंट साइड में। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती ओपन रहेगी। तो इस तरह से हमें रख लेनी है और यहाँ पे प्लेट्स के साथ यानी गैदर्स के साथ हम इसे रेडी कर लेंगे। इसे हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी कमर के अनुसार। तो यहाँ पे गैदरिंग देख के हम इसे अपनी कमर के अनुसार इसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टिच लगा के इसमें गैदर्स बना लेंगे या फिर छोटे छोटे प्लेट्स लगा के भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रेडी कर लिया है प्लेट्स के साथ में और इसमें लाइनिंग भी हम लगाएंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और जो हमने इस तरह से मैन फैब्रिक को रेडी किया है उसमें इस तरह से लाइनिंग को रखते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है ताकि दोनों ही फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए और साइड में भी हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों को हमने अलग अलग फोल्ड करनी है, यानी कि ये जो हमारी लाइनिंग वाले फैब्रिक उसे हम अलग से फोल्ड कर लेंगे और ये जो मेन फैब्रिक है हमें अलग से फोल्ड कर लेंगे। आप साथ में भी दोनों को फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग फोल्ड किया है और सेम ऐसा ही हमने दूसरे साइड में भी इसी तरह से फोल्ड कर लेनी है। देखिए सेम ऐसे ही हमने दूसरे साइड में भी फोल्ड कर लेनी है। दोनों ही किनारे पे हम फोल्ड कर लेंगे जो कि हमारी फ्रंट साइड में ओपन रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को हमने एक साथ में से स्टिच करके इसे रेडी कर लिया है अपने बॉटम पार्ट को और इस तरह से हमारी फ्रंट में ओपन रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमारी ओपन रहेगी। तो इस तरह से हमें रख लेनी है। तो यहाँ से देखिए बॉटम पार्ट को हमने फ्रंट साइड में खुले साइड से इस तरह से रखनी है और इसी तरह से टॉप पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए टॉप पार्ट में जो हमारी नेक की सेंटर है वहाँ से हमने दोनों ही किनारे को रखते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ पे हमने डोरी बनाया इसी फैब्रिक के साथ में, जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रंगरखा स्टाइल में दिया है वहाँ पे हमने स्ट्रेट डोरी लगा लेंगे और ये तीन बटन्स भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो अटैच करेंगे हम यहाँ पे, तो साथ में इसको जब हम बॉटम और टॉप पार्ट को ज्वाइंट करेंगे साथ में इसकी डोरी को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक किनारे से हमने यहाँ सेंटर पर रखते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच लगाएंगे। डोरी को हमने अच्छे से पिन के साथ अभी एडजस्ट कर लिया है और यहाँ से देखिए दोनों ही टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को इस तरह से हम लेंगे और इसकी पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने लेकर पूरी गोलाई में हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिच को लगा लिया है। इसी तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लिया। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ से देखिए कुर्ती हमारी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट इससे अच्छे से अटैच हो गई है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉटम को भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। अब स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, जिसकी विड्थ को हमने 9 इंच पे रखा है स्लीव में और यहाँ ओपन साइड से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से देखिए फोल्डेड साइड की ओर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे
इंच टिप को सीधा रखते हुए और दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए अपने स्लिप में शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए अपने स्लिप में शेप दे देंगे, जैसे कि सिंपल स्लिप में हम शेप करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमने स्लिप में शेप दे देनी है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेट लगाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ कटिंग नहीं लेंगे, क्योंकि मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी प्लेट लगाने के लिए। तो सिंपली हम इसकी ही कटिंग करेंगे और इसे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लिप की कटिंग कर लिया है, इसी तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो बंद है हम इसे ओपन कर खोल लेते हैं, यानी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी मेन फैब्रिक में हमने कटिंग किया है, इसमें हम लाइनिंग भी डालेंगे स्लिप में, क्योंकि जॉर्जेट की फैब्रिक हमारी बहुत पतली वाली है, तो इसमें हमने लाइनिंग लगाएंगे तो अच्छा इसकी कलर भी आएगी। तो यहाँ से देखिए हमने इसे कटिंग कर लिया है। और यहाँ से फ्रंट में हमने गहराई की कटिंग कर लेंगे स्लिप में, जैसे कि हमने टॉप पार्ट में भी किया है, तो इसी तरह इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने गहराई की भी कटिंग कर लिया, इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ हमने स्लिप में इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स दे देनी है, जो कि हम मशीन से ही कर लेंगे। तो चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने इस तरह से फोल्ड लगा लिया है, फोल्ड कर लिया है स्लिप को, और एक इंच लेते हुए, एक इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से फैब्रिक को इस तरह से करते हुए इसमें हम गैदर्स बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम गैदर्स बनाएंगे, जिसमें इसमें हमारे स्लिप में गैदर्स बनेंगे, जिसकी डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। तो इस तरह से करते हुए इसमें हमने गैदर्स बनानी है। तो दोनों ही स्लिप में हम ऐसे ही गैदर्स बना लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने हाथों से फैब्रिक को इस तरह से खींचते हुए इसमें गैदर्स लगा लेंगे। और इसी तरह इसमें इसको हमने इसकी लाइनिंग को भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही स्लिप को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब चलिए हम इसको अपनी कुर्ती में अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुर्ती रेडी है, बस इसमें स्लिप को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी स्लिप को भी कुर्ती के साथ में अटैच कर लेते हैं। तो दोनों ही स्लिप को हमने ऐसे ही अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमने कुर्ती में स्लिप को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट में ये ओपन रहेगी, तो कुछ इस तरह से हमारी ये कुर्ती की फाइनल लुक होगी। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती को हमने रेडी कर लिया है और स्लिप को भी हमने अटैच कर लिया है। स्लिप में हमने इस तरह से गैदर के साथ डिजाइन बनाया है, जैसे कि हमने इसके बॉटम को रेडी किया है। तो यहाँ पे हमारी इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।